वेलकम टू अनदर वीडियो गाइज। आज की वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा हर्ष पारिक से। हर्ष गुजरात से बिलोंग करते हैं, यहाँ कनाडा अपनी मैकेनिकल लाइन की स्टडी को फॉलो करने के लिए आए थे। आज इनकी पीआर हो चुकी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। तो आज ये जो भी जॉब कर रहे हैं, जौन सी पोजिशन पे भी कर रहे हैं, उस सारी जॉब और सारी पोजिशन के बारे में इनकी डिटेल लेंगे और पूरा मैकेनिकल की जॉब्स का स्कोप जानेंगे इनसे। जल्दी से चलते हैं वीडियो में, आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मेरा नाम हर्ष पारेख है, मैं इंडिया में अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैंने 12th ग्रेड कंप्लीट किया इंडिया में अहमदाबाद से, और 12th ग्रेड कंप्लीट करने के बाद मैंने आईएलटीएस दी और शेडन कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एनरोल हो गया और फिर कनाडा आ गया। मैं सबसे पहले मैंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ पे मैंने एज जनरल लेबर काम किया हुआ है। सो पार्ट प्रोडक्शन आते हैं, सो मुझे उनको स्किड्स में अरेंज करना होता है या फिर लाइक असेंबल पार्ट्स जो होते हैं उनको अरेंज करके रखना होता है। सेकेंडली मैंने काम किया एक पिज्ज़ा स्टोर में, आई वाज अ कुक ओवर देयर। सो मैं पिज्ज़ा बनाता था, लाइक टॉपिंग्स कट करता था, उसके बाद पिज्ज़ा स्टोर क्लीनिंग से लेके बॉक्सेस बनाना, फिर पिज्ज़ा बनाना, ऑर्डर्स लेना फ़ोन पे। फिर मैंने सिक्योरिटी की जॉब ढूंढी, मैंने यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद मैं सिक्योरिटी की जॉब करने लगा। सो मैंने तीन अलग अलग कोऑप्स किए, पहली वाली लाइक एयरक्राफ्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और लास्टली पायलट प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। सो वहाँ पे मुझे कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं उसके बारे में आई गॉट एन आइडिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कौन से मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स, कैड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने होते हैं, कैसे वर्क फ्लोज होते हैं, कैसे बिजनेस रन होता है, उसके बारे में मुझे ओवरऑल अंदाजा आया, और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रोल प्ले करती है, लाइक रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। सो दैट वाज हेल्पफुल। मैं लाइक अभी जो जॉब कर रहा हूँ, इट्स लाइक ऑन द प्रोडक्शन साइड, एंड लाइक मुझे बिल्डिंग ड्राइंग्स को देख के प्रोडक्शन एंड परचेजिंग को डेटा प्रोवाइड करना होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेशन करना होता है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। जो बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जो मेन सिटीज़ होते हैं टोरंटो के अराउंड, जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनमें बिल्डिंग्स होती है, तो उनमें लाइक विंडोज़ लगती है जो या फिर कंपनी के हो या फिर रेजिडेंशियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, तो उसमें उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साइड में। तो मुझे जो बिल्डिंग बिल्डिंग के ड्राइंग्स प्रोवाइड होते हैं उससे डेटा कलेक्ट करना होता है, और वो ब्रेक डाउन करके मैं प्रोवाइड करता हूँ लाइक परचेजिंग को कि जितने पार्ट्स ऑर्डर करने हैं, या फिर प्रोडक्शन को कि कितना कटिंग करना है, कितना कितने रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है उसके रिगार्डिंग, और साइट पे जो कोऑर्डिनेशन होता है कि साइट इश्यूज होते हैं या फिर साइट में सिचुएशंस होती है जिनसे डील करना होता है। तो जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहे हो वहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ जाना होता है कि लाइक टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू मेजर थिंग्स। सो नॉर्मली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जब आप एनरोल होते हो और पहली कोऑप जब आप शुरू कर रहे हो, तब रियली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कनाडा में फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर रहे हो, तो उस वक्त जितना भी आपको पे मिले इट्स फाइन टू एक्सेप्ट दैट। मुझे वैसे, मैंने फर्स्ट कोऑप शुरू की तब वो लोग मुझे $16 पर आवर पे कर रहे थे। सो तीन कोऑप्स ही मेरे कोर्स में, सो एट लास्ट कोऑप वो लोग मुझे $21 पे कर रहे थे, $21। सो आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाए उसके बाद आप नेगोशिएट कर सकते हो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे चीज़ें होती है, तो उसके बाद आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप कोऑप्स ख़त्म करके विद एक्सपीरियंस बाहर आते हो और आप फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, तो नॉर्मली आपको आप सैलरी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइक अराउंड $25 to $30 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो वेरी हो सकती है लाइक आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे, आपकी टेक्निकल स्किल सेट पे, आपके कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे अराउंड कॉरपोरेट वर्ल्ड में या फिर फील्ड ऑफ डिसिप्लिन में। और प्रोग्रेशन ऐसा होता है कि लाइक आप विद 2 to 3 years of experience you can earn like more than $30, 5 years plus experience definitely you have $40 around earn karoge, and once you get like more than 5 to 10 years of experience you can make 6 figures if you are really good at it. So basically agar aap kisi company mein job opening aati hai to aap the only way to communicate is resume. So resume sahi banana chahiye, aap bata sakte ho ki aapke paas kya skill set hai जो वो जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड है, क्या आप में आपके पास वो टेक्निकल स्किल सेट, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए जो
आपको आने चाहिए, तो वो उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आप आपको दो पेज या फिर तीन पेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेट यू वांट टू क्रिएट, तो उसके अंदर आप आपको कंप्रेस करके बताना होता है इन जनरल और इन शॉर्ट में कि आपके पास वो सारी रिक्वायर्ड स्किल सेट है कि नहीं ये जॉब करने के लिए. तो ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन इज रेज्यूमे, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक अ नाइस रेज्यूमे. अभी जो मेरी पोजीशंस है वो मोर टेक्निकल साइड है. फ्यूचर में आफ्टर सर्टेन ईयर ऑफ टेक्निकल एक्सपीरियंस आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू अ मैनेजरियल रोल और इन मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं बिगर पिक्चर देख सकूँ कि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी है उसकी कंप्लीट प्रोडक्ट डिलीवरी है या फिर वो जो बेच रहे हैं वो कैसे लाइक डिलीवर कर रहे हैं एंड टू एंड, लाइक कैसे बिजनेस लाते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे लाते हैं, यहाँ से उसको डिलीवर फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवरी कैसे करते हैं, ऐसे टाइप के रोल्स में जहाँ पे बिगर पिक्चर है. सो मैनेजरियल लेवल की जॉब में आफ्टर 5 to 10 years. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टेक्निक एज अ टेक्निकल पर्सन शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हो, जैसे कि लाइसेंस HVAC टेक्नीशियन या फिर CNC में मिल राइट में काम कर रहे हो या फिर एज एन इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी. उसमें भी आपके पास आगे प्रमोशन के चांसेस है, आपको ज़्यादा सैलरी रेज मिल सकता है, आपको सुपरवाइज़र की पोजीशन मिल सकती है. डेफिनेटली इतना ही नहीं है कि जो ऑफिस में ही काम करते हैं उनको ही आगे प्रमोशन होगी. हर एक टाइप के लोग जो टेक्निकल टाइप का काम कर रहे हो उनको भी there are good possibilities. So ये थी आज की वीडियो गाइज. बहुत बहुत थैंक यू. बहुत ठंड है यहाँ, हाथ जम रहे हैं, मुँह हिल नहीं रहा है ठंड के कारण, और हर्ष ने फिर भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी. आपको बहुत ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि बहुत ज़रूरी है यहाँ आकर लोग आपका जो सर्कल होता है आपको ये यकीन दिलाता है कि शायद आपको ऐसी जॉब्स बिल्कुल नहीं मिल सकती, आपको वाइट कॉलर जॉब्स या हाई पेइंग जॉब्स नहीं मिल सकती, और आपको शायद कोई और जॉब करनी पड़े जहां आपको काफ़ी सारे आवर्स लगाने पड़े, ओवर टाइम लगाना पड़े पैसे कमाने के लिए. लेकिन हर्ष ने आज बताया कि उन्होंने स्टडी की, को ऑप्स लगाई, रेज्यूमे अच्छा बनाया, और फिर उनको ऐसी अच्छी जॉब मिली. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट करना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं आंसर करूँगा या हर्ष खुद आंसर कर देगा. और आई होप यू गाइज़ आर लाइकिंग द वीडियोज़. कीप लाइकिंग दैम, कॉमेंटिंग दैम, अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ेगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. Like, subscribe, and comment जरूर करूँ. Thank you. करूँ जू.